आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटुमिन के लिए हाईवे में यूज होने वाले टेस्ट फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में कि कैसे उसे परफॉर्म करना होता है एंड कैसे टेस्ट की रीडिंग्स को नोट करना होता है। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में। सो इंजीनियर्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं बिकॉज हमें ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि किस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर जो हमारा बिटुमिन है वो आग को पकड़ेगा। ये पता होना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज जब हम DBM या बिटुमिनस कॉन्क्रीट की लेयर प्लेस कर रहे होते हैं साइट पर, तो हमें बिटुमिन को हीट करना पड़ता है अप टू 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इस टेम्परेचर पर जाकर जो हमारा बिटुमिन है आग को पकड़ लेगा तो उसे हम यूज नहीं कर सकते। इस टेस्ट को हमें कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन से एपरेटस यूज करने हैं, सो ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है IS कोड 1209 1978 में। इसी कोड के अकॉर्डिंग आज हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्लीवलैंड एपरेटस की, जिसमें एक टेस्ट कप होगा, एक हीटिंग प्लेट होगी एंड एक टेस्ट फ्लेम एप्लीकेटर होगा। जो टेस्ट कप होगा वो ब्रास का होना चाहिए एंड उसमें एक इंसुलेटिंग हैंडल होना चाहिए उसको कैरी करने के लिए। जो हमारा टेस्ट कप होगा उसकी इनसाइड डायमीटर 63 टू 64 mm के बीच की होनी चाहिए। आउटसाइड डायमीटर की बात करें तो वो आपकी 67.5 टू 69 mm तक की होनी चाहिए। इसमें एक फिलिंग मार्क भी होता है टेस्ट कैप के अंदर, जहां तक हमें अपने बिटुमिन सैंपल को फिल करना होता है टेस्ट के टाइम पर। एंड जो मार्क है वो 10 mm की हाइट पर होता है एंड इनसाइड हाइट जो होती है कप की वो 34 mm तक की होती है। इसके बाद आपको एक थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। अब सीधे बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आपको सारे एपरेटस को साफ कर लेना है अच्छे से एंड उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद आपको बिटुमिन सैंपल लेना है बीकर में एंड हीट करना स्टार्ट कर देना है और जो टेम्परेचर होना चाहिए हीटिंग का वो आपको 75 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना है। और जब तक हीट करना है जब तक बिटुमिन हमारा कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब आपको इस हीटेड बिटुमिन को टेस्ट कप में फिल कर लेना है फिलिंग मार्क तक और उसी के साथ साथ आपको उसमें एक थर्मोमीटर भी इंसर्ट करना है। देन जो टेस्ट फ्लेम एप्लीकेटर है उसके अंदर से जो फ्लेम निकलेगी उसका जो साइज होना चाहिए वो आपका एक बीट के बराबर होना चाहिए। अगर डायमीटर की बात करें फ्लेम की तो वो आपकी 4 mm तक की होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको टेम्परेचर इंक्रीज करते जाना है अपने बिटुमिन सैंपल का 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से और साथ ही साथ आपको अपने बिटुमिन को स्टिर करते रहना है स्टिरर की हेल्प से और जो स्टिर करना है आपको वो करना है 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद आपको सबसे पहली टेस्ट फ्लेम अप्लाई करनी है अपने बिटुमिन के ऊपर और कब करनी है आपको अप्लाई, जब आपका जो बिटुमिन है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड बचा हो उसके फ्लैश पॉइंट तक पहुंचने से और वो टेम्परेचर है आपका 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह की चीजें आप सीखना चाहते हो तो सिविल गुरुजी आपके लिए लेके आया है हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोर्स, जिसमें आप पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके हैंडओवर तक, कैसे एक पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है ये पूरा हमने उस हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स में कवर किया है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। ये कोर्स का जो प्राइस है वो 34,000 रुपीज है, लेकिन अभी आपके लिए कोर्स सिर्फ 8,847 रुपीज में मिलेगा। 730 डेज की वैलिडिटी है और डेली लाइव डाउट सेशंस के साथ अगर आप कोड यूज करेंगे गुरुजी। देन वापस आते हैं टेस्ट पर। अब आपको वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है जब आपको पहली फ्लैश दिखेगी अपने बिटुमिन सैंपल में एंड उसी को हम बिटुमिन का फ्लैश पॉइंट बोलेंगे उस सैंपल के लिए। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हीटिंग को रोकना नहीं है बिटुमिन सैंपल की, बिकॉज अभी आपको फायर पॉइंट भी नोट करना है तो आपको हीटिंग कंटिन्यू रखते रहना है। जैसे ही आपका 1 डिग्री टेम्परेचर में राइज होता जाएगा आपको टेस्ट फ्लेम अप्लाई करते रहना है एंड वो टेम्परेचर नोट करना है जब आपका जो बिटुमिन है वो फायर को कैच कर लेगा कम से कम 5 सेकेंड्स के लिए एंड उसी टेम्परेचर को हम लोग बिटुमिन का फायर पॉइंट बोलेंगे। देन आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करनी होगी जिसमें आप रीडिंग्स को नोट करेंगे एंड जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट होना चाहिए आपके बिटुमिन सैंपल का वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एज पर मॉर्थ। यहां पर ये टेस्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही हाईवे से रिलेटेड और भी टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं उसी टेस्ट से रिलेटेड आपके लिए लेके आता रहूंगा।
तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।